माफ करना आसान नहीं है। सबको जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से 35 से आज का सुसमाचार पाठ हमें क्षमा के बारे में एक शक्तिशाली संदेश प्रस्तुत करता है। इसकी शुरुआत पेत्रुस द्वारा प्रभु यीशु से यह पूछने से होती है, हे प्रभु, कितनी बार मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करेगा और मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? जिस पर प्रभु यीशु ने जवाब दिया, 7 बार नहीं बल्कि 7 बार 70 गुना। प्रभु यीशु क्षमा पर कोई संख्यात्मक सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, बल्कि वह क्षमा की असीमता पर जोर दे रहा है। वह चाहता है कि हम यह समझें कि क्षमा बिना मापे, बिना हिसाब किताब रखे दी जानी चाहिए। जिस तरह ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह दूसरों के प्रति हमारी क्षमा की भी सीमा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करता है। प्रभु यीशु एक राजा की कहानी बताते हैं जो अपने सेवकों से हिसाब किताब करना चाहता था। एक नौकर पर बहुत बड़ी रकम बकाया थी, एक ऐसा कर्ज जिसे वह कभी भी चुकाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। फिर भी जब नौकर ने सब्र रखने की प्रार्थना की तो राजा को दया आ गई और उसने पूरा कर्ज माफ कर दिया। हालांकि राजा की उपस्थिति छोड़ने पर उस नौकर का सामना एक साथी नौकर से होता है जिस पर उसे बहुत कम राशि बकाया होती है। खुद पर दया दिखाने के बावजूद उसने अपने साथी नौकर का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब राजा को यह पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाता है और उस क्षमा ना करने वाले सेवक को जेलरों के हवाले कर देता है जब तक कि वह अपना सारा बकाया वापस ना कर दे। यह दृष्टांत हमारे प्रति ईश्वर की क्षमा की महत्ता और उस अपेक्षा को दर्शाता है कि बदले में हम दूसरों को क्षमा कर दें। हम पर ईश्वर का जो ऋण है, जो पहले सेवक की विशाल राशि से दर्शाया जाता है, उसे चुकाना हमारी क्षमता से परे है। फिर भी जब हम पश्चाताप करते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं तो ईश्वर अपनी असीम दया से हमें पूरी तरह से माफ कर देते हैं। हालांकि यदि हम वही क्षमा दूसरों को प्रदान करने में विफल रहते हैं तो हमें जो क्षमा प्राप्त हुई है उसे हम खो देने का जोखिम उठाते हैं। जिस प्रकार क्षमा ना करने वाले सेवक को दया की कमी के परिणाम भुगतने पड़े, उसी प्रकार हमें भी अपने हृदय में क्षमा ना करने के परिणाम भुगतने होंगे। माफ करना आसान नहीं है, इसके लिए विनम्रता, धैर्य और प्रेम की आवश्यकता है। इसका अर्थ है अपनी चोट, क्रोध और बदला लेने की इच्छा को त्याग देना। लेकिन यह हमारी अपनी आध्यात्मिक भलाई और हमारे रिश्तों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम आक्रोश के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की उपचारात्मक कृपा को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं। हम मसीह का अनुकरण करते हैं जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाने वालों को यह कहते हुए माफ कर दिया, हे पिता, उन्हें माफ कर दे क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। जैसे ही हम इस सुसमाचार पर विचार करते हैं, आइए हम अपने दिलों की जांच करें और खुद से पूछें, क्या ऐसी कोई शिकायतें हैं जिन्हें हमें दूर करने की जरूरत है?
क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें हमें क्षमा करने की आवश्यकता है? आइए हम क्षमा करने की कृपा के लिए प्रार्थना करें, जैसे हमें क्षमा किया गया है। हम वैसे ही प्रेम करें जैसे हमसे प्रेम किया गया है, और मसीह के सच्चे शिष्यों के रूप में जीवन व्यतीत करें। आमीन।